मैं पूछना चाहता हूं आज के पवित्र दिन का यह अवसर पर, क्योंकि आज नामची में हमारा पार्टी का ऑफिस खुला है, इस पवित्र अवसर पर मैं पूछना चाहता हूं हमारा बीजेपी एमएलए 12 होते हुए भी या क्यों 3 ही, केवल 3 ही क्यों है? यहाँ पर दम कहाँ गया है? 18 अभी यहाँ भन्नु हुँदै थियो हाम्रो पार्टीको नेशनल अध्यक्ष श्री नड्डा जी आउनु हुँदैछ, हामी जम्मा हुनु पर्छ। त्यो दिन वो दिन सिक्किम के लिए टर्निंग पॉइंट होना चाहिए और हम चाहते कि उस दिन नड्डा जी के मुखरबिंद से सिक्किम का नक्शा पलटना चाहिए, करप्शन बंद होना चाहिए, सिक्किम में डेवलपमेंट होना चाहिए और जो पक्षपात यहाँ पर आज हो रहा है ये सब बंद होना चाहिए। ऐसा वहां का मुखरबिंद से हम शब्द सुनना चाहते हैं। हामी कहाँ जम्मा भएको छौँ भन्दाखेरि नाम्चीमा, नाम्ची यस्तो पवित्र जग्गा हो। आज हाम्रो शिरमा गुरु पद्मसम्भव सामदुकजीले बास गरेको छ अनि गुरु पद्मसम्भव चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ, उहाँ चाहिँ आमाको कोखबाट जन्मेको होइन। गुरु पद्मसम्भव अथवा गुरु रिम्पोछी चाहिँ आमाको पेटबाट जन्मेको होइन, उहाँ चाहिँ कमलको फुलमा जन्मेको हो। गुरु पद्मसम्भव माँ के पेट से जन्म नहीं लिया है। गुरु पद्मसम्भव जो हमारा गुरु रिम्पोछी है, जो अभी यहाँ पर स्थित है, हमारा शिर में है, वहाँ पर यही कमल का फूल में उसे स्पॉन्टेनियस जन्म लेकर आया हुआ है सर वो। और जो महायाना बज्रायना बुद्धिज्म का हेड है वो। अब त्यो पार्टी में छो हमी, यू पीपल आर ऑल लकी, यो कमल का फूल में जन्मे को पार्टी में हमी छो। मान्छेले धोका दिनु सक्छ, आदमी धोका दिए सकेंगे आपको, लेकिन कमल का फूल आपको धोका नहीं देंगे। और म यही भन्न चाहन्छु, विशेष भन्नुपर्ने त धेरै छ, समय छ अहिले, पछि भनौँला। तर आज म एउटा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, अनुशासन डिसिप्लिन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। घरमा पनि, अपना घर में भी, अगर परिवार में भी अनुशासन ना हो तो परिवार ठीक नहीं रहेगा, बिगड़ जाएंगे। ऐसा ही पार्टी में भी अनुशासन सबसे बड़ा बात है। और मैं पूछना चाहता हूं आज के पवित्र दिन का यह अवसर पर, क्योंकि आज नामची में हमारा पार्टी का ऑफिस खुला है, इस पवित्र अवसर पर मैं पूछना चाहता हूं हमारा बीजेपी एमएलए 12 होते हुए भी या क्यों 3 ही, केवल 3 ही क्यों है? यहाँ पर दम कहाँ गया है? तो सबसे पहले अनुशासन होना चाहिए पार्टी में, और वो भी विधायक होते हुए भी अगर पार्टी का अनुशासन में नहीं चलेंगे तो इसको मैं आज दरखास्त करना चाहता हूँ हमारा सिक्किम का इंचार्ज डॉक्टर दिलीप जसवाल जी से, अनुशासित कदम चलना चाहिए। केवल हमारा कर्तव्य हमारे से नीचे को हम लोग ये करना वो करना बताना नहीं है, हमारा विधायक भी अनुशासन में होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बुरी बात नहीं है, अगर अनुशासन ना हो तो घर नहीं चलेंगे, और पार्टी में भी अनुशासन होना चाहिए, एक बात ये। दूसरी बात, 18 अघि यहाँ भन्नु हुँदै थियो हाम्रो पार्टीको नेशनल अध्यक्ष श्री नड्डा जी आउनु हुँदैछ, हामी जम्मा हुनु पर्छ। त्यो दिन वो दिन सिक्किम के लिए टर्निंग पॉइंट होना चाहिए और हम चाहते कि उस दिन नड्डा जी के मुखरबिंद से सिक्किम का नक्शा पलटना चाहिए, करप्शन बंद होना चाहिए, सिक्किम में डेवलपमेंट होना चाहिए और जो पक्षपात यहाँ पर आज हो रहा है ये सब बंद होना चाहिए। ऐसा वहां का मुखरबिंद से हम शब्द सुनना चाहते हैं। मिल नहीं रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारा यहीं से पता चलता है ना, 12 एमएलए में 3 ही यहाँ पर है अभी हमारे यहाँ पर।
तो नौ कहां गया, कहां गुम हो गया? क्या ये लोग बीमार पड़े है? सोचा कहूं हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं तो सिलीगुड़ी में नर्सरी में एडमिट है, कहां है ये लोग? क्योंकि ये लोग के ऊपर जिम्मेवारी है, सिक्किम और सिक्किमे का काम करेंगे बोल के, आप और हमारे काम करेंगे बोल के हम लोग ने वोट देकर के इनको हमारा प्रतिनिधि चुने है। ये लोग कहां है अभी? क्या इन्होंने, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हमारा पार्टी अध्यक्ष को जी, हमारा डियर थापा जी को, कि उन्होंने इनको दरखास्त करा है कि आज आ नहीं पाएंगे बोल के? क्या वो बीमार है? क्या है आज बोलना पड़ेगा प्रेसिडेंट साहब को, यहाँ पर मेरे प्रेसिडेंट देना पड़ेगा ये। मैं यही बोलना चाहूँ तेले कर तो लोग पूरा लाता मान्छेको चेप्टो पूरा है नभए के को राजनीति अनुशासन नै छैन भने त्यसले गर्दा हेर्नुहोस् आउने दिन तपाईँहरूको आने दिन ये कमल का फुल्का है आप लोग का दिन है। देखिए थोड़ा ठीक करना पड़ेगा बस त्यही हो अलिकति अनुशासन में ल्याउनु पर्छ अनि काम गर्नु पर्छ। यु आर इन द विन विन सिचुएसन भन्दैन अङ्ग्रेजीमा। त्यसले गर्दा म यति नै भन्न चाहन्छु, बेसी समय लिँदिन, मिलेर काम गरौँ। हेर्नुहोस् बजेट दिने यही हो 2000, म बेसी भन्नु चाहदिनँ, केन्द्र सरकारमा दिल्लीमा 2029 मोदी सरकारै हो, लेखेर राख्नुहोस् लिखकर राखो 2029 मोदी सरकारै हो, अनि बजेट दिनेको मोदी सरकारै हो। सिक्किमलाई कसले बजेट दिन्छ? मोदी सरकारले। अनि हामी चाहिँ उल्टा काम गर्ने त। त्यसले गरी म त्यति नै भन्न चाहन्छु, अब आँखा खोल्ने समय आइसक्यो, डियर थामाको हातले मजबुत बनाउनु पर्छ। एनके सुब्बा साहबको, मेडम फर्वतीको, त्यहाँ आज तिनजना हुनुहुन्छ यहाँनिर, उहाँको हातलाई दरिलो बनाउनु पर्छ। हामीले हाम्रो सुरता छैन, डाक्टर दिलीप जसराज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँ यहाँ बिजेपीको मजबुत खाम्बो, उहाँको आशीर्वाद छ सिक्किममा। केही नगरी सरकार पनि नानी त उहाँको हस्पिटलमा सिक्किमको कतिजना नानीलाई काम दिइरहेछ अरे उहाँले, तपाईँलाई थाहा छ। तपाईँ यस्तो व्यक्ति आज हामीले पाएको छौँ, हामी खुसी हुनुपर्छ, र आउने दिन तपाईँहरूको सिक्किमेको हो। नसुर्ताउनुहोस्, तपाईँलाई डराउने काम छैन, आफ्नो घरमा आफै डरायो भने अरूले के गर्छ त? त्यसले गर्दा यति भन्दै मेरो छोटो कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। जय सिक्किम, जय सिक्किमे जनता, जय बिजेपी। थ्याङ्क यू। नागाल्यान्ड स्टेट डियर 200 गोल्ड मन्थली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारेन्टिड, टिकट मूल्य 200 रुपियाँ, पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट,